सनराइज टाइम हो रहा है 8:40 और जो है टाटा नगर रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुका हूँ। ट्रेन अपने समय से लगभग 40 मिनट की देरी से है जो टाटा नगर रेलवे स्टेशन पे पहुंची है, तो ज़्यादा कुछ लेट नहीं है, आधा मतलब 30 से 40 मिनट ही लेट हुई है। साथ अब टाटा नगर रेलवे स्टेशन के बाहर है, जो होटल वगैरह ढूंढ रहा हूँ, जो रेलवे स्टेशन से पैदल चल के बाहर आ चुका हूँ और यहाँ से 200 मीटर दूर है जो बताया है कि काफ़ी सारे होटल वगैरह आपको देखने को मिल जाएंगे, तो अभी वही ढूंढने जा रहा हूँ। आपको भी पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि कौन कौन से जो होटल्स वगैरह अवेलेबल है, कितने पैसे लगेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखना बिना स्किप करें। भाई जो स्टेशन है वो तो अच्छा खासा चल रहा है, देख सकते हैं कि अच्छी खासी सर्विस है और जो ट्रेन है यहाँ से और भी ज़्यादा भर गई है। टाटा नगर से पूरी जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लोग हैं जो जा रहे हैं, तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ देखने को मिल जाएगी। बाकी जो स्टेशन के बाहर है आपको ऐसा कुछ मॉल दिखा देता हूँ, तो जो लोग की भी टिकट कन्फर्म नहीं है टाटा नगर से उनको और भी ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, क्योंकि रैंडम लोग हैं आपकी जो ट्रेन में चढ़ने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से जो भीड़ काफ़ी ज़्यादा चढ़ी है। बिल्कुल पीछे है जो रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन से आप अगर ऐसे पैदल चल के आएंगे, ठीक है, पेट्रोल पंप की तरफ, तो ऐसी कुछ मार्केट आपको देखने को मिल जाएगी। इस मार्केट में जो आपको थोड़े होटल वगैरह देखने को मिल जाएंगे, आपको भी दिखाता हूँ कहाँ पे जो होटल देखने को मिलेंगे। मैं तो पैदल वॉक करके ही जा रहा हूँ क्योंकि अभी टाइम लगभग 9 बज रहे हैं, तो सारा बाज़ार वगैरह खुला है, तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, पूरी मार्केट अच्छी भरी चल रही है। आप चाहे तो डायरेक्टली ऑटो वगैरह करा के भी आ सकते हैं, वो 50 रुपये में आपको होटल वगैरह के पास में जो छोड़ देंगे। तो इस मार्केट में आपको थोड़े से लाउंज वगैरह देखने को तो मिल जाएंगे, बट उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जो वो प्राइस मांग रहे थे 800 रुपये एक नाइट का मांग रहे थे, बट उनकी हालत देख के वहाँ पे रहने का मन तो नहीं किया। बाकी अभी और देखता हूँ कि कौन कौन से यहाँ पे जो अवेलेबल है। तो भाई देख सकते हो होटल्स तो यहाँ पे काफ़ी सारे हैं, सारे लाउंज टाइप के, पुराने पुराने कमरे जैसे पुराने टाइप के घर होते हैं, उनके प्राइजेस भी ठीक है, 300, 400, 500। तो भाई स्टेशन से 300 से 400 मीटर वॉक करने के बाद आपको एक स्ट्रीट मिल जाएगी जहाँ पे ना होटल भी होटल्स है, जो अच्छे वाले होटल्स आप कह सकते हैं। उससे पहले है ना 200 मीटर पे जब आप आएंगे तो आपको बहुत सारे लाउंज दिखेंगे जो कि पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स है, तो जो लोग 250, 300, 500 तक का बजट लेके आ रहे हैं उनके लिए वो वाले लाउंज बेस्ट हैं, और जिनका बजट 800 से लेके 1500 तक है उनके लिए ये वाली लेन बेस्ट है। यहाँ पे आपको खाने पीने के लिए होटल्स वगैरह सब मिल जाएंगे, आपको भी पूरी स्ट्रीट है दिखा देता हूँ। ऐसी कुछ स्ट्रीट आपकी रहने वाली है, यहाँ पे आपको होटल्स के नाम वगैरह, ठीक है, खाने पीने के लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं वो सब आपको दिखा देता हूँ। तो इस स्ट्रीट में मैंने स्ट्रीट में आने से पहले ही ये जो होटल पसंद कर लिया, 3-4 होटल वगैरह देखे थे ऊपर जाके, तो उनमें से वैसे कोई पसंद नहीं आ रहा था, एक थोड़ा सा अच्छा लगा तो वो ले लिया, बट अभी जब मैं खाना खाने आया तो अच्छे से एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तो यहाँ पर और भी ज़्यादा अच्छे होटल्स हैं जो दिखे हैं मुझे। और खाने के लिए ये दो ऑप्शन दिख रही हैं इस वाली दुकान पर, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। बाकी एक देख सकते हैं होटल नीलकंठ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। और उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनमें जो होटल्स हैं आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाएंगे। खाने के बाद आप आगे आएंगे तो आपको दिख जाएगा एक होटल कुलदीप, ये होटल है जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। प्राइजेस वगैरह तो मैंने नहीं पूछे, बट यहाँ पे सबसे बेस्ट जो होटल देख के बाहर से लग रहा है वो होटल कुलदीप ही लगा। उसके बाद आगे मूव करेंगे तो आपको यहाँ पे फार्मेसी वगैरह भी मिल जाएगी अगर आपको दवाइयाँ वगैरह लेनी है। और देख सकते हैं इस गली में जाके भी काफ़ी सारे होटल्स हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन मेन रोड पर भी काफ़ी है कि होटल अशोक। उसके बाद आप जाएंगे तो होटल एपी पैलेस, ये भी है जो दूसरे नंबर पे मुझे सबसे अच्छा लगा। इसका भी इंटीरियर बाहर से भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और रिसेप्शन भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट इन होटल्स में बस आपको एक दिक्कत आने वाली है कि आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लोर्स चढ़ के हैं जो ऊपर जाना पड़ेगा, कोई भी होटल आपको ग्राउंड फ्लोर पर नहीं देखने को मिलेगा। उसके बाद ये एक और अच्छा होटल, होटल नानक, इन होटल्स की जो रेंज रहने वाली है वो लगभग 1000 से ऊपर ही रहेगी आपको, मतलब 1000 से 1500 पर नाइट के बीच में रहने वाली है। और यहीं पे बिल्कुल साथ में विशाल मेगा मार्ट है अगर आपको शॉपिंग वगैरह भी करनी है, तो ये लेन बहुत ही अच्छी है। अभी टाइम लगभग रात के 10:30 हो रहे हैं, बट जो अभी भी गली है वो अच्छी खासी यहाँ पे चल रही है। तो बिल्कुल सामने आपके विशाल मेगा मार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। वैसे कुछ लेन है, ठीक है, जहाँ पे आप जैसे मेन रोड से आएंगे ना बिल्कुल सामने जाते जाएंगे तो आपको रेलवे स्टेशन देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपको चले जाना है। इस वाली लेन में सारे होटल्स ही होटल हैं, और अगर आपको ऐसे सर्च करके आना है तो विशाल मेगा मार्ट आप
सर्च कर सकते हैं तो भी आपको ये लोकेशन देखने को मिल जाएगी। जो मैंने होटल लिया आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पे मेन रोड पे ही ले लिया पहले, क्योंकि मैंने तीन चार लाउंज देखे, ठीक है, सबके मुझे तीन चार फ्लोर चढ़ के जाना पड़ा, तो उसकी वजह से काफ़ी थक गया था, तो मैंने जो भी बेस्ट रूम मिला वही ले लिया था। अभी खाना खाने गया तो ये वाले होटल दिखे, ये भी काफ़ी अच्छा है होटल मेरिडियन, ठीक है। इसके आगे जो भी ये वाले होटल्स आपको दिखा रहा हूँ ये सारे लाउंज वगैरह हैं जो आपको 300 से लेके 500-800 तक के प्राइस में मिल जाएंगे, तो जो लोग सस्ते बजट में लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। मैंने लिया है होटल राजस्थान जो आपको देखने को मिल रहा है। तो गाइज़ ये है जो कुछ रूम मैंने लिया है होटल राजस्थान में, ठीक है। इस रूम का प्राइस है, मुझे सिंगल बंदा था तो मुझे इन्होंने 700 में लगा दिया, अगर आप दो लोग आएंगे तो 800 में आपको ये रूम है जो देखने को मिल जाएगा ऐसे, ठीक है। छोटा सा रूम है, इससे भी अगर आपको सस्ता रूम चाहिए तो ऐसे ही सेम रूम मिल जाएगा, उसमें और जगह छोटी होगी, सिंगल बेड लगा होगा तो वो रूम आपको 500 तक का मिल जाएगा। बट इतने छोटे रूम में रहना मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने ये 700 वाला रूम ले लिया। इसमें आपको कपड़े टांगने के लिए जगह मिल गई, ठीक है। उसके बाद ऐसा कुछ आपको रूम मिल जाएगा। वैसे जिनको बजट में चाहिए उनके लिए रूम सही है, बस थोड़ा आपको बेडिंग की दिक्कत आने वाली, कि थोड़ी सी बेडिंग आपको गंदी देखने को मिलेगी। वैसे बेडिंग धुली हुई है बट उस पर थोड़े से दाग वगैरह मिट्टी के लगे हुए हैं। उसके बाद वॉशरूम दिखा दी, तो वॉशरूम भी आपके ठीक ही है, साफ़ है, मतलब आपको कोई ऐसी दिक्कत नहीं आने वाली, साफ़ वॉशरूम है आपको देखने को मिल जाएंगे। बट ओके ये टाइल्स वगैरह थोड़ी गंदी है, तो ये ऐसे ही है कि बस जिनको एक रात के लिए सोना वगैरह है तो उनके लिए ये ठीक रह सकता है रूम, बाकी ऐसा कुछ नहीं। शीशा भी यहाँ पे लगा हुआ है तो जिनको भी तैयार होना है। तो ये थे मैंने आपको पूरे होटल वगैरह बता दिए, जो लास्ट में मैंने आपको लोकेशन दिखाई थी ना होटल राजस्थान वाली, उससे अगर आप थोड़ा थोड़ा रेलवे स्टेशन की तरफ अगर आप पैदल चलते जाएंगे ना तो आपको क्या देखने को मिलेंगे, सारे ऐसे ही सस्ते सस्ते रूम। जो ये रूम है सबसे बेस्ट था, ठीक है, उससे इससे जो आपको आगे रूम देखने को मिलने वाले वो इससे मतलब थोड़ी सी खराब क्वालिटी के ही देखने मिलने वाले हैं, बट उनका जो बजट है वो भी काफ़ी ज़्यादा लो था। ये रूम है मतलब मुझे 700 में पड़ा, तो अगर आप और आगे जाएंगे जिनके रूम थोड़े से गंदे हैं तो आपको 250-300-400-500 तक भी रूम दे रहे हैं, और उनका जो चेकआउट टाइम है ना वो सुबह मतलब शाम को 6 बजे से लेके अगले दिन शाम को 6 बजे तक है। इसका जो चेकआउट है वो 12 बजे हो जाएगा, लेकिन उनके जो गेस्ट हाउस थे उनमें एक फ़ायदा ये भी था कि उनका जो चेकआउट है, अगर मैंने जैसे कल रात को चेक इन किया होता तो आज शाम को 6 बजे है जो मुझे चेकआउट करना पड़ता, तो उनका ये भी फ़ायदा है कि आपको 300-400 में शाम को 6 बजे तक रहने का टाइम मिल जाता है। अगर आपकी ट्रेन वगैरह शाम को है या दोपहर को है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो ये था पूरा रिव्यू, जो आपको पता लग गया कि कौन कौन से यहाँ पे हैं होटल्स वगैरह है, कौन कौन से होटल हैं, उनके नाम क्या है, लोकेशंस क्या है, कहाँ पे सस्ता मिलेगा कहाँ पे महंगा मिलेगा, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई है। फिर भी कोई डाउट वगैरह है मुझे कमेंट्स वगैरह में पूछ सकते हो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।